तो आज हम सीख रहे हैं RWD के बारे में। RWD का पूरा मतलब होता है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अब ये रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है? देखें, वेबसाइट को डिजाइन तो हमने करना पहले भी सीख रहे थे, लेकिन ये RWD रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम इस वेब पेज को हम अपना देखते हैं ब्राउजर के ऊपर कि हमने ये किस तरह से बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये ब्राउजर पे पेज आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। तो ये तो नॉर्मल लेआउट आप पहले भी बना चुके हैं, जो कि दो हिस्सों का और तीन हिस्सों में, यानी कि इस लेआउट में क्या एक हेडर है, एक फुटर है और तीन कंटेनर्स हैं, यानी कि ये कंटेनर नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये तो हमने पहले भी बनाया है। तो इसमें खास बात क्या है? जब हम इस वेबसाइट को कन्वर्ट करेंगे मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के अंदर, मतलब कि हमारी वेबसाइट बड़ी स्क्रीन पे तो ऐसे नजर आए लेकिन मोबाइल पर कुछ इस तरह से नजर आए, तो इस लेआउट को हम कहते हैं RWD रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जब हमारी वेबसाइट बड़ी स्क्रीन पे खुले तो वो जैसे नॉर्मल पेज है वैसे ही नजर आए, और अगर उसको जब छोटी स्क्रीन पे ओपन किया जाए तो उसके कंटेनर एक के नीचे एक नजर आए और वो विड्थ को 100% कंज्यूम करें। यहाँ पर देखिए कि इस कंटेनर की विड्थ 25% है, इस कंटेनर की विड्थ 50% है और ये 25% है, और ये दोनों तीनों पैरेलल नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम इसको मोबाइल अप्रोच पे लेके जाते हैं तो हमारी वेबसाइट का जो कंटेनर है ये 100%, ये भी 100% और ये भी 100% विड्थ के साथ हैं और एक के नीचे एक नजर आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक को जब आप मोबाइल पे चलाते हैं तो ऐसे चलता है, और जब आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे बड़ी LED पे स्मार्ट पे खोलते हैं तो वो इस तरह से नजर आ रहा होता है। तो ये आजकल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे बनी हुई है, जिसको RWD कहते हैं। इससे वेबसाइट ऑटोमेटिकली जिस स्क्रीन पे खुलती है वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन ये बनाते कैसे हैं, इस चीज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का मैंने नाम रखा है RWDMediaQuery.html, और इसके अंदर हमने पहले HTML का बेसिक कोड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे हेडर के लिए कंटेनर बनाया है div, और उसके साथ क्लास बनाई है हेडर, और उसमें H1 पाकिस्तान लिख दिया और उसमें div लिख दिया है। अगर देखें इसके साथ मैंने इसकी CSS फाइल बनाई हुई है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है MediaWQuery, और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, लिंक किया हुआ है अपने इस HTML की फाइल के साथ। और इसके अंदर मैंने हेडर के लिए यहाँ पर एक कोड किया हुआ है, ये देखिए डॉट हेडर की क्लास बनाई हुई है जिसमें बैकग्राउंड कलर को डिफाइन किया गया है, फॉन्ट के कलर को डिफाइन किया गया है और पैडिंग को 15 पिक्सल तक डिक्लेयर किया गया है। तो इसका जो लेआउट है कुछ इस तरह का आ रहा है, जो भी चेंजेस चाहे आप इसमें कर सकते हैं। ये एक हमारा अलग कंटेनर है। इसी तरह फूटर का भी कंटेनर अलग से बनाया हुआ है, उसके अंदर भी डिव और उसके अंदर क्लास फूटर की यूज की गई है, और फूटर की क्लास में भी कुछ इसी तरह का कोड किया गया है जिसमें सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, क्या बैकग्राउंड कलर है, कलर फॉन्ट का कलर है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, फॉन्ट साइज 12 है, और जबकि पैडिंग 15 पिक्सल की यूज की गई है, ये हमारा फूटर सेक्शन कहला रहा है। ये दोनों कंटेनर अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे के नीचे हैं, लेकिन बीच वाले कंटेनर में थोड़ी सी स्टोरी चेंज की गई है। बीच में ये तीन कंटेनर एक साथ कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये एक और कंटेनर में है। वो किस कंटेनर में? अगर हम HTML के कोड को देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने एक div बनाया है मेन, और उस div को क्लोज किया है यहाँ पर, जबकि इस div के अंदर एक दूसरा div बनाया है जो कि हमारा पहला कंटेनर है यानी कि ये वाला, और फिर उसके बाद एक और div बनाया है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है यानी कि ये वाला, और यहाँ पे एक और div बनाया है जो हमारा तीसरा कंटेनर है यानी कि ये वाला। अब इनको एक मेन कंटेनर में डाला है div में, ठीक है, एक div के अंदर तीन div है। मसला ये है कि अगर div को div के नीचे लिखा जाए तो वो तो ब्लॉक लेवल पे नजर आता है, एक के नीचे एक, ये एक साथ कैसे आ रहे हैं? इसके लिए हमने CSS के अंदर कुछ क्लासेस बनाई हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं जिसकी मदद से ये इस तरह से नजर आ रहा है। लेट्स सपोज हम डिस्कस करते हैं उन क्लासेस को। सबसे पहले हमने एक रो क्लास बनाई है, और रो क्लास को हमने CSS में कैसे डिफाइन किया है ये देखिए। हमने कहा है डॉट रो और कॉलन कॉलन, आफ्टर रो की क्लास के बाद कंटेंट की प्रॉपर्टी ब्लैंक हो जाए, क्लियर बोथ हो जाए और डिस्प्ले ब्लॉक नजर आए, मतलब यानी कि जो भी फ्लॉट प्रॉपर्टी आगे एलिमेंट पे लगाई गई है उनको कर दें क्लियर, और जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है उसको ब्लॉक में नजर आए यानी कि इनलाइन में नजर आए। ये रो की क्लास के हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है। उसके बाद अगर आप अंदर चलें तो यहाँ पे आपने तीनों कंटेनर के साथ एक क्लास को यूज किया है, कॉल डैश, कॉल डैश और कॉल डैश। इस कॉल डैश क्लास को हम तीनों में यूज किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसके आगे कुछ नंबर्स को चेंज किया है, 3, 6 and 3। ये क्यों किया है इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने कॉल डैश की क्लास को डिफाइन किया है इस तरीके से, क्लास स्टैटिक इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया कि जो भी क्लास कॉल डैश से शुरू होगी उसके साथ क्या होगा, उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, फ्लॉट लेफ्ट और पेडिंग 15 पिक्सल्स। तो ये हमने इसके साथ इस पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, फ्लॉट लेफ्ट और पेडिंग 15 पिक्सल पे जब हमने इसको अप्लाई किया है तो इससे क्या होगा? देखें, फ्लॉट लेफ्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि जब भी, जैसे हमारी ये स्क्रीन देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की है, अब इसके ऊपर कोई ब्लॉक बन रहा है तो वो ब्लॉक कैसे बनेगा, मतलब राइट से बनेगा, लेफ्ट से बनेगा या सेंटर से बनेगा?
बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक बनता है लेफ्ट से, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ये होता है कि अगर एक ब्लॉक बनाया है और उसके बाद दूसरा ब्लॉक बनाएंगे तो वो एक के नीचे एक आएगा। अब अगर उनको तीनों को एक साथ दिखाना है तो हमें उनकी फ्लॉट प्रॉपर्टी को लेफ्ट करना होगा। इससे क्या होगा, वो बनेगा लेफ्ट साइड से, जितनी जगह लेगा अगला वाला ब्लॉक उसके आगे से बनेगा और अगला वाला ब्लॉक उसके आगे से बनेगा। यानी कि पहला ब्लॉक 25% का था तो अगला हमने बनाया 50% का, तो वो बिल्कुल इसके बराबर से लेफ्ट साइड से बनेगा, और उसका अगला वाला 25 का था वो इसके बराबर में बनेगा। इस वजह से यहाँ पे फ्लॉट प्रॉपर्टी को लेफ्ट किया गया है और ये तीनों ब्लॉक जो है एक दूसरे के बराबर में नजर आ रहे हैं। और पैडिंग 15 पिक्सल है, मतलब इनके जो बीच के गैप होंगे टेक्स्ट के और इनके, वो 15 पिक्सल रहेंगे बाय डिफॉल्ट। और देखिए इन तीनों में कॉल डैश की क्लास को इस्तेमाल किया गया है, इसलिए तीनों ब्लॉक की जो फ्लॉट प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर में नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके आगे ये 3, 6, 3 क्या है? जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्लासेस के बारे में पढ़ा था कि क्लास एक एलिमेंट पर एक दफा भी अप्लाई हो सकती है और मल्टीपल क्लासेस भी एक एलिमेंट पर कई बार इस्तेमाल हो सकती है। तो ये हमने 3, 6 इसकी एसोसिएटिव क्लास बना दी है। ये है क्या? बेसिकली ये हमने इनकी विड्थ को पहले से ही डिफाइन कर दिया। कैसे? ये देखिए नीचे आके यहाँ पर हमने लिखा डॉट कॉल डैश वन, यानी कि जब डैश वन लिखा जाएगा तो जो भी कंटेनर होगा उसकी विड्थ 8.33% हो जाएगी ओवरऑल स्क्रीन का। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं जो भी स्क्रीन हमारे सामने है, व्हाटएवर वो मोबाइल की है, टैबलेट की है, आईपैड की है, कंप्यूटर की, स्मार्ट एलईडी, स्मार्ट वॉच की, वो 100% होती है। और जब आप लिखते हैं 8.33% तो उसका साइज होगा उस स्क्रीन के मुताबिक 8.33%। मतलब मेरी स्क्रीन 100% है तो उसका 8.33% यही बनेगा। इस तरह हमने इन साइजेस को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर दिया। मतलब अगर हम कॉल 2 लिखेंगे किसी के साथ तो वो 16% होगा, कॉल 3 लिखेंगे तो वो 25% होगा। इस तरह वाइस वर्सा अगर देखें, कॉल 6 लिखेंगे 50% होगा और अगर हम कॉल 12 लिखेंगे तो वो पूरा 100% ले लेगा। तो हमने अपने कंटेनर्स में अगर आप देखें तो दो क्लासेस यूज किए हैं। पहले वाले कंटेनर के लिए कॉल डैश 3, मतलब ये 25% का होगा, लाइक सपोज ये 25% है, और दूसरे के लिए कॉल 6 यानी कि 50% का होगा, इसका दुगना, तो ये 50% है, और तीसरा वाला कॉल 3 होगा यानी कि वो भी 25% होगा, 25, 50 and 25 होगा 100%। और इस तरह से ये पूरा आपका 100% यूज हो गया। ठीक है, ये टेक्निक है। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे जाते हैं तो नई नई टेक्निक सीखने को मिलती है। और पहले वाली टेक्निक में अलग अलग विड्थ डिफाइन करते थे, अब अलग अलग डिफाइन ना करें, विड्थ की क्लासेस बना दें, जो क्लास लिखेंगे उस तरह की विड्थ आपके कंटेनर की ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी। ओके, उसके साथ हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक मेन्यू की क्लास भी यूज की है। क्यों यूज किया? क्योंकि अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम को यूज किया, यानी कि इनके लिए। तो उसके लिए मेन्यू के लिए हमने क्लास के लिए सीएसएस में क्या बताया है, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया है कि मेन्यू के क्लास के अंदर जो भी यूएल यूज हो रहा है एलिमेंट, उसकी लिस्ट डैश टाइप प्रॉपर्टी को नन कर दें। क्यों? आपको तो पता है जैसे हम यूएल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे डॉट्स आ जाते हैं, बुलेट्स, उन बुलेट्स को खत्म करने के लिए इस प्रॉपर्टी को नन करना लाजमी है। और मार्जिन और पैडिंग को हमने जीरो कर दिया यूएल का। उसके बाद हमने कहा यूएल के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम है, मतलब हम बात कर रहे हैं इनकी जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं, उनके साथ क्या करना है, उनकी पैडिंग एड पिक्सल कर दें। मतलब एक टेक्स्ट का और उसके ब्लॉक का जो गैप है वो एड पिक्सल कर दें, और मार्जिन बॉटम यानी कि एक एलआई और दूसरे एलआई के दरमियान में जो मार्जिन है वो 7 पिक्सल कर दें, और बैकग्राउंड कलर उन सब का ये कर दें, और कलर जो उनका है क्या कर दें, वाइट कर दें, यानी कि फॉन्ट का कलर वाइट कर दें, और बॉक्स को एक शेडो दे दें, और वो शेडो ये देखें हल्का हल्का सा इसके नीचे आपको सबके नजर आ रहा है। फिर इसके अलावा जो एल आई है जब उस पर माउस जाए, हॉवरिंग इफेक्ट हो, तो उसी का डार्क ब्लू कलर दे दें, तो ये इस तरह से आपको नजर आने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर हमने एसाइड की क्लास बना रखी है जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू है, और एसाइड की क्लास हमने अपने तीसरे कंटेनर पे लगा रखी है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमने डिफ क्लास एसाइड कर रखा है, और इसको हमने ये कुछ टेक्स्ट डाल रखा है जिसमें हमने ये बता रखा है कि इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह का हो, इसके अंदर जो पैडिंग हो 15 पिक्सल की हो, यानी कि गैप 15 पिक्सल का हो बॉक्स और टेक्स्ट का, कलर का चाहे फॉन्ट का कलर वाइट हो, और टेक्स्ट अलाइन इसकी सेंटर होनी चाहिए, और फॉन्ट साइज का 14 पिक्सल होना चाहिए, और बॉक्स डैशबोर्ड तो वही शेडो उसका इसमें भी दे दिया। तो यहाँ पे इस तरह से काम हो गया। फूटर की क्लास हम पहले ही समझ चुके हैं और ये आ गया। लेकिन सर ये तो आपने पूरा बता दिया कि ये कैसे डिफाइन हुआ है, पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये जब छोटी स्क्रीन पर आता है तो ये अपना लेआउट कैसे चेंज करता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अपने लेआउट में क्या चेंज करता है। जो कॉलम एक दूसरे के साथ पैरेलल आ रहे हैं जब वो एक सर्टेन स्क्रीन साइज पे पहुंचते हैं तो वो अपनी विड्थ 100% कर लेते हैं, 25, 50 और 25% को खत्म करके 100% कर लेते हैं,
और अपना लेआउट एक दूसरे के नीचे रख देते हैं, जबकि वो यहाँ पर एक दूसरे के बराबर में नजर आ रहे होते हैं। ये करने के लिए इस चीज को रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट कहा जाता है। और ये टेक्निक आप अपने वेब पेज में कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए जो कमांड है वो हमने यहाँ लिख रखी है, @media_only_screen_max_width। ये पूरी कमांड है, यानी कि ये आपके स्क्रीन को डील करेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो फंक्शन है, इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, ये कह रहा है कि ये वाला कोड, कौन सा कोड, ये कोड नहीं है, ये कमांड है, ये वाला फंक्शन कब चले, ये फंक्शन जब चलेगा जब स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल विड्थ में या इससे कम होगा। 766 होगा तो नहीं चलेगा, 768 होगा, 5 होगा, 4 होगा, इससे कितना भी कम होगा तो इसके अंदर लिखे जाने वाला कोड चलेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर वाला कोड क्या है, अगर आप नोट करें, ये जो कोड लिखा गया है यहां, ये ऊपर भी लिखा गया था इस तरीके से, बाय डिफॉल्ट ये कोड क्या कर रहा है, कॉल डैश क्लास जिसमें भी यूज होगी उसकी फ्लोट की प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर रहा है और पेडिंग कितनी दे रहा है, 15 पिक्सल। लेकिन ये उस वक्त तक काम करेगा जब तक स्क्रीन साइज 768 से अबव है, 769 या इससे ऊपर है। जैसे ही 68 होगा तो दोबारा डिफाइन कर दिया आपने कि कॉल डैश क्लास की जो विड्थ है, मतलब जहां जहां भी कॉल डैश की क्लास की विड्थ लगी हुई है 25-50 जो भी है, वो रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 100% के साथ। और आपको तो पता ही है, अगर एक क्लास का रूल, सेम क्लासेस एक एलिमेंट में मौजूद हैं और उस पे सेम रूल्स लगे हुए हैं, तो पहले वाला रूल छोड़ के नहीं, जो आखिरी रूल होगा वो अपडेट होगा, तो ये रूल उसको अपडेट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का लेआउट रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है सर ये 768 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये जानने के लिए हम बहुत आसान है, राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे किसके अंदर, इंस्पेक्ट के अंदर। जैसे ही इंस्पेक्ट में जाएंगे तो अब आप नोट करें, ये थे, इसको रखें, मैं थोड़ा फुलफुल कर देता हूँ इसको, और यहाँ से हम आते हैं ये साइज पे, तो नोट करें ऊपर आपको साइज नजर आएगा। तो देखिए ये जो चल रहा है 912, ये विड्थ है, ये जैसे 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 स्क्रीन को मैं कम करता जा रहा हूँ साइज हमारे वेब पेज का कम होता है, और जैसे 750 पे पूछा ये रेस्पॉन्सिव हो गया, और जैसे ही 755, 767, 64, 67, 69 पे दोबारा से ये आपको वही विड्थ फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 20-50% दिखा रहा है। और जैसे ही मैंने इसको कम किया तो इस तरह पता चला कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब भी मेरी वेब पेज खुलेगा तो वो इस तरह से खुलेगा, और इससे छोटी स्क्रीन पे भी इसी तरह से खुलेगा। लेकिन अगर इतनी, यानी कि इतनी हो गई 150 पिक्सल की स्क्रीन, यानी कि वो स्मार्ट वॉच के ऊपर भी जब खुलेगा तो ऐसे ही नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये आ गया हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के बाद टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आईपैड की स्क्रीन के ऊपर तक सेट रहेगा, लेकिन जैसे ही ये जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो ये स्मार्ट एलईडी के ऊपर, तो ये फिर इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आगे जितनी वेबसाइट्स बन रही हैं उसमें यही लेआउट यूज किया जाता है और उसको इसी तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात की?